अब हमने यहाँ पे डेटा सेट को तो कनेक्ट कर लिया है, लेकिन अगर हम देखना चाहें कि ये सारा डेटा सेट किस तरह से नज़र आ रहा है, तो अप्लाई डेटा सेट में जाएंगे और सबके रिकॉर्ड्स हमें अलग अलग नज़र आ रहे हैं, लेकिन हमें इनकी अलग अलग फाइल्स बनानी है तो कैसे करेंगे, सबके अलग अलग कार्ड्स बन जाएँ ताकि हम ईजिली ट्रांसफ़र कर सकें, प्रिंट आउट कर सकें या फिर डिलीवर कर सकें कस्टमर्स को। तो फाइल में जाएंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे ऑटोमेट पर, ऑटोमेट पे क्लिक करने के बाद यहाँ से क्लिक करेंगे हम एक्सपोर्ट पर और डेटा सेट एस फाइल्स पर क्लिक करेंगे। जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से डिसाइड करेंगे अपना फोल्डर, तो यहाँ पे सिलेक्ट फोल्डर पे क्लिक करेंगे, वही फोल्डर का पाथ हम यहाँ पे ले लेते हैं। तो यहाँ से कॉपी किया हमने पाथ, कॉपी किया और यहाँ पे लाके उस पाथ को हमने कंट्रोल वी करके पेस्ट करके ओके कर दिया। अभी कह रहा है कि जो मैं फ़ाइल बनाऊँगा वो कैसे बनाऊँ, तो मैंने कहा देखो भाई पहले सबसे पहले फ़ाइल का डेटा सेट डॉक्यूमेंट नेम लोगे, तो डॉक्यूमेंट नेम तो कर्व वन है, तो हमने कहा ये नहीं लो, डेटा सेट का नाम लो, डेटा सेट का नाम जैसे स्टूडेंट का नाम है सना लियाकत, फिर उसके आगे अंडरस्कोर यूज़ करो, फिर उसके आगे 123 का इस्तेमाल कर लो मामला। या हम ऐसे भी कर सकते हैं 123 शुरू में ले लो और यहाँ पर जो है डेटा सेट का नाम ले लो, तो ऐसे वन सना लियाकत, सेकंड पे दूसरा, थर्ड पे तीसरा, और ये फाइल बनाएगा PSD। तो ऐसी PSD फाइल पे क्लिक करके ओके करेंगे तो एडोब फोटोशॉप सबकी अलग अलग PSD फाइल बना देगा और उनको ऑर्डर में भी कर देगा 1 2 3 4 5 6 7 ऐड करके। तो जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे ब्लॉसम पर आएंगे तो ये देखें सबके अलग अलग कार्ड्स यहाँ पे तैयार हो चुके हैं और सबकी अलग अलग PSD फाइल मौजूद हैं। आप भले इसको बंद कर लें फाइल को, और बंद करके यहाँ से आप इसको एक एक को ओपन करके देख सकते हैं। जैसे आप इसको ओपन करते जाएंगे तो आप देखेंगे कि उनमें वही डेटा मौजूद होगा जो आपका डाला था। ठीक है, तो इस तरह से आप अपने टास्क को ईजिली परफॉर्म कर